नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 30 को देखेंगे। इसमें लेटर सीरीज को हम लोग कवर करेंगे। लेटर सीरीज एक ही वीडियो में हम लोग पूरा डन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लेटर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप यहाँ से संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे आप पैड कोर्स से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज से कितने प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला टाइप मिलता है कि नंबर ऑफ लेटर्स और ग्रुप सेम हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ना, यहाँ पे जितने भी, जैसे देखिए लेटर सीरीज क्या होता है, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा ए, फिर रिक्त स्थान रहेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, बी गैप, ठीक है, बी 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 बी, यहाँ पर ए बी बी, तो इसमें मतलब ऐसे सीरीज दिया रहेगा। तो इसमें पता है क्या होगा, पहला टाइप ही होता है कि जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे तीन तीन के ग्रुप में तोड़ दिया है ना, मान लीजिए यहाँ पे तीन तीन के ग्रुप में तोड़ दिया गया, तो इसमें प्रत्येक ग्रुप में जो लेटर्स है, देखिए यहाँ पे तीन लेटर इसमें भी है, तीन लेटर इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी, लेटर भी सेम है, अब ग्रुप भी सेम रहेगा। जैसे अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम अगर इसमें फिल करें तो यहाँ पर बी फिल होगा, यहाँ पर ए फिल होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी और बी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक ग्रुप में तीन लेटर दिख रहे हैं और ग्रुप किसका है, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी। तो पहला टाइप क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स और ग्रुप दोनों क्या होता है, सेम होता है। दूसरा टाइप जो इसमें आता है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम होते हैं लेकिन ग्रुप आपका डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा बन जाएगा ए बी सी, है ना, यहाँ पर रहेगा बी सी ए, ठीक, सी ए बी, तो कोई भी पैटर्न चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक की चर्चा कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है। तो नंबर ऑफ लेटर सेम होगा, ग्रुप आपका क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे देखिए, तीन लेटर है, तीन लेटर है, तीन लेटर है, लेकिन ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तीसरा है नंबर ऑफ लेटर्स और ग्रुप, ये दोनों अलग अलग होंगे, मतलब नंबर ऑफ लेटर भी अलग रहेगा, ग्रुप भी अलग रहेगा। जैसे देखिए ए बी सी, है ना, फिर यहाँ पर बी सी डी, इसके बाद ई, ठीक है, यहाँ पर है सी डी ई एफ जी। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले देखिए इसमें तीन लेटर है, इसमें चार लेटर है, इसमें पांच लेटर है, ये ए से स्टार्ट हुआ था, ए बी सी था, यहाँ पर बी से स्टार्ट है, यहाँ पर सी से स्टार्ट है, तो ग्रुप भी अलग होंगे और नंबर्स भी अलग होगा। तीसरा टाइप ये हो सकता है। चौथा एक स्पेशल सीरीज होता है, स्पेशल सीरीज कहने का मतलब ये होता है, इसमें जो नंबर्स ऑफ लेटर होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 13 लेटर की सीरीज आएगी, 13 के बाद 17 लेटर की सीरीज हो सकती है, 19 लेटर की सीरीज हो सकती है, 23 लेटर की सीरीज हो सकती है, तो ऐसा पैटर्न रहेगा। तो ये चार टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, है ना, परीक्षाओं में। अब देखिए इनको टैकल करने का तरीका क्या है, तो टैकल करने के तरीके की अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कि इसमें कैसे इसको टैकल करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है ना, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या है कि इसमें आपको लेटर्स की काउंटिंग करनी है, कितने लेटर है ना, इनकी काउंटिंग करेंगे, लेटर्स की काउंटिंग करनी है। तो जब लेटर्स की काउंटिंग करेंगे तो देखिए होता क्या है, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं ये आपको मिलेंगे 12 लेटर से लेकर के 24 लेटर के बीच में, है ना, मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर परीक्षाओं में क्या हुआ है, यही आज तक देखा गया कि जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें लेटर या तो कम से कम 12 आपको मिलेगा और अधिक से अधिक कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। अब इसके बाद क्या, जैसे मान के चलिए आपके पास 12 लेटर की सीरीज है ना, तो आप इसको तीन या चार, मतलब ये सुविधा अनुसार जैसा वहाँ पे सीरीज रहेगा उसको तोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 12 लेटर की सीरीज, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 है, तो इसमें आप पहले काउंट, जैसे मान लीजिए ऐसे तीन तीन करके चेक करेंगे, अगर कोई पैटर्न दिखा तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो फिर आप चार चार में चेक करेंगे। इसी तरीके से क्या हो सकता है, देखिए अगर ये रहा तो आप 12 12 में तोड़ेंगे, मान के चलिए अगर 15 लेटर की सीरीज है तो आप इसको तीन या पाँच की सीरीज में ब्रेक करेंगे, अगर 16 लेटर है तो 16 में ज़्यादातर संभावना है कि चार चार के सीरीज में ब्रेक करके चेक कीजिएगा, 18 अगर रहेगा तो 18 में आप तीन या छः के सीरीज में चेक कर सकते हैं, ठीक। अगर इसके बाद 20 है तो 20 के सीरीज में आप चार और पाँच में ब्रेक करके चेक करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है, या तो आपको 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 18 मिलेगा, 20 मिलेगा। इसके बाद अगर मान के चलिए जैसे 14 है तो 14 में अब यहाँ पे देखिए 7 प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे 7 7 के सीरीज में आप तोड़ के देख सकते हैं, है ना। तो ये जो प्राइम नंबर वाले टर्म्स हैं, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया,
19 हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल पैटर्न चलता है। अब उस पैटर्न को ढूंढेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए मैंने आपको चीज़ें बता दी, अगर 12 लेटर मिल रहे हैं तो आप 3-4 में चेक कीजिएगा, है ना, 15 मिल रहा है तो 3-5 में कीजिएगा, 16 है तो 4 में चेक कीजिएगा, 18 है तो 3 या 6 में, 20 है तो 4 या 5 में, इसके हिसाब से हम चेक करेंगे तो सीरीज आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला स्लाइड है, इसमें ऑप्शन नहीं रखे गए, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे। चलिए अगर इसमें आप लोग बात करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या ना, आप इसमें काउंटिंग कीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर 16 लेटर है। अगर 16 लेटर है तो सीरीज को आप 4-4 में ब्रेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 4-4 में इसको ब्रेक कर लिया। पेन को थोड़ा सा और पतला करते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखे। रुकिए ठीक, देखिए 4-4 के सीरीज में आपने ब्रेक किया। अब 4 के सीरीज में ब्रेक करने के बाद क्या है, देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए पहले सीरीज, अगर मैं इसको पहला नाम देता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। देखिए पहले में अगर आप देखेंगे तो पहला लेटर मिसिंग है, दूसरे में पहला लेटर बी है और यहाँ पर भी पहला लेटर बी है, मतलब पहले लेटर का पैटर्न पता चल रहा है कि सबसे पहला लेटर आएगा बी। यहाँ पर देखिए बी और यहाँ पर भी आपने बी फिल कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे बी फिल किया तो चौथा वाला पूरा हो गया। देखिए इसमें क्या बन रहा है, बी ए ए बी, ये सीरीज है। तो देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए बी ए ए, यहाँ पर बी फिल किया जाएगा, इसी तरीके से बी ए ए बी हो जाएगा, यहाँ पर बी ए ए बी हो जाएगा। देखिए आपने पूरा फिल कर दिया तो यहाँ पे भरा क्या गया, यहाँ पर आपने बी फिल किया, फिर बी फिल किया दूसरे में, तीसरे में ए फिल किया, यहाँ पर ए फिल किया और यहाँ पर बी फिल किया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डबल बी, डबल ए और बी। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगर आप दूसरे को देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग कीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, एक एक करके काउंट नहीं करने, आप वहां पे आराम से ग्रुपिंग करके काउंट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए एक एक करके काउंट कर रहा हूं। देखिए 16 लेटर से, तो आप इसमें क्या कीजिए, 4-4 के सीरीज में तोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 से अलग हुआ, यहाँ पर भी 4 से अलग हुआ, यहाँ पर भी 4 से अलग हो गया। अब देखिए इसमें किसी एक लेटर को पकड़िए जहां से कोई आपको मतलब इसमें सीक्वेंस मिले कि क्या चल रहा है। देखिए पहला लेटर पी है, यहाँ पर पहला गायब है, यहाँ पर भी पहला पी है, तो जब हमने पहले और तीसरे को देखा तो हमें पता चल गया कि पहला लेटर पी आएगा। तो यहाँ पर हमने पी को फिल किया, यहाँ पर भी हमने पी को फिल किया। जैसे आपने पी को फिल किया यहाँ पर सिक्वेंस पूरा हो गया, पी क्यू आर एस, है ना। अब देखिए पी क्यू आर, तो यहाँ पर एस फिल होगा, है ना, पी क्यू, देखिए यहाँ पर क्यू फिल हो जाएगा, पी क्यू आर यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। तो क्या भरा गया, देखिए पहले आपने एस भरा है, फिर आपने पी भरा है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्यू भरा गया, पी भरा गया और आर भरा गया। तो यहाँ पर इसको भी आपने फिल कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपने 16 था तो आपने 4-4 के सीरीज में इसको तोड़कर चेक किया। आगे देखिएगा ए बी सी, यहाँ पर देखिए पहले काउंट कर दें 3, देखिए यहाँ पर तक 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 लेटर्स की सीरीज है, तो हम लोग 3-3 में ब्रेक करेंगे। देखिए 3-3 में यहाँ पर ब्रेक किया गया, जैसे आपने 3-3 में ब्रेक किया तो आपको पैटर्न पहले में दिख गया। देखिए ए बी सी पूरा दे रखा है, यहाँ पर भी चेक कीजिएगा, ए भरेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी सही हो गया, ए बी सी सही हो गया। तो यहाँ पर जो फिल किया जाएगा ए ए बी बी, ये फिल किया जाएगा, ये सीरीज चल रहा था ए बी सी का। तो उम्मीद है कि अब तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी किस प्रकार से पैटर्न चलता है। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है ना, चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे, देखिए यहाँ तक 4, ठीक है, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10 और 2, 12, यहाँ पर 12 है तो 12 है तो आप पहले 3 या 4 में से किसी एक में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 को ब्रेक करके चेक करते हैं। देखिए अगर आपने 3-3 में ब्रेक किया यहाँ से, है ना, 3, 3 और यहाँ पर 3, है ना, जब 3-3 में ब्रेक किया तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पहला लेटर टी है, यहाँ पर भी पहला लेटर टी है, यहाँ पर भी पहला लेटर टी है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये इसमें पहला लेटर टी भरा जाएगा। जैसे आपने टी भरा, टी भरते ही देखिए यहाँ पर एक विकल्प ये कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि टी भरा जाएगा। अब देखिए टी एस टी एक पूरा हो चुका है ना, तो टी एस टी, यहाँ पर टी एस टी, यहाँ पर टी एस टी और यहाँ पर भी टी एस टी, आपने क्या फिल किया, टी एस एस टी, ये फिल किया गया। तो देखिए टी एस एस टी ये विकल्प ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहां पर इसमें सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है, काउंटिंग कीजिएगा इसमें कितने लेटर से। देखिए यहां तक आपको देखिए 4, 4, 8, 4, 12 और इसके बाद 12, 3, 15, इसमें 15 लेटर्स दिख रहे हैं, तो 15 दिख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, या तो 3-3 के सीरीज में ब्रेक करना है या तो 5-5 की। तो पहले हम लोग 3 के सीरीज में ब्रेक करके देखते हैं कुछ चीज़ें मिल रही है। देखिए यहाँ पे यहाँ से ये ब्रेक हुआ, है ना, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ। देखिए अगर आपने 3-3 के सीरीज में देखा तो देखिए
यहाँ पर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, तीन तीन के सीरीज में ब्रेक करने पे ट्रिपल भी है ना। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ट्रिपल भी कर सकते हैं, ठीक, ट्रिपल भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो दो चीजें सेट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे बीच में ए है, बीच में ए है मतलब यहाँ पर भी ए भरा जाएगा और यहाँ पर भी ए भरा जाएगा। आपने ए ए फिल किया तो इसके बाद जो बचा है यहाँ पर भी ए फिल करेंगे। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, है ना। अब इसमें देखिए जब आपने ऐसे फिल किया तो आपने क्या फिल किया, ए बी ए ए, ए बी ए ए आपने फिल किया हुआ है, ए बी ए ए, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो आपने इसमें तीन तीन में, तीन तीन के सीरीज में ब्रेक किया तो आपने इसको आसानी से फिल कर लिया। अगर तीन तीन से कोई पैटर्न नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते, पांच पांच के सीरीज में ब्रेक करके चेक करते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट इसमें आपको काउंट करना है, सबसे पहले काउंट कीजिए कितने की सीरीज है। देखिए तीन तीन छ, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह और तीन अठारह, अठारह की सीरीज है। अब अठारह की सीरीज में आप या तो तीन के सीरीज में तोड़ेंगे या तो छः के सीरीज में, आप जिसमें चाहे उसमें तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग तीन तीन के सीरीज में तोड़ कर देखते हैं। देखिए यहाँ से तीन में टूटा है ना, फिर यहाँ पर ये रहा, फिर यहाँ पर ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, है ना। तीन तीन के सीरीज में तोड़ने पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आप देखिए एल यू बी ये पूरा सिक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पर टी यू बी ये भी पूरा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले पर एल बी दिख रहा है मतलब एल यू बी भरा जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं पता है क्या भरा जाएगा, फिर एल यू बी है, फिर यहाँ पर देखिए एल यू बी है, मतलब यहाँ पे पता है क्या चल रहा है, पहले एल यू बी है, फिर एल यू बी है, फिर एल यू बी है, यहाँ पे टब पूरा है तो यहाँ पे टी यू बी भरेंगे और यहाँ पर टी यू बी भरेंगे, मतलब इसमें लब टब ये वाला पैटर्न चल रहा था। एक बार लब को भरा गया, एक बार टब को भरा गया, फिर लब भरा गया, फिर टब भरा गया, है ना। अब इसमें काउंट कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने फिल किया। देखिए यू टी फिर इसके बाद यू बी, ये चार चीजें फिल की गई, यू टी यू बी, यूट्यूब, है ना। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग वर्जन का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें देखिए लेटर्स को काउंट करेंगे, दो चार छः आठ दस बारह, इसके बाद यहाँ पे छः छूट रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करने, क्यों, क्योंकि जो गैपिंग है ना सब एक जगह, जब ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आपको ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए एम एन ओ आपने यहाँ पे तीन लेटर्स को देखा, एम एन ओ, है ना। इसके बाद देखिए एन ओ पी क्यू यहाँ तक चला, देखिए ये एम से सीरीज स्टार्ट था, फिर एन से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से देखिएगा ओ पी क्यू आर एस, इसका मतलब पता है क्या, देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है ये एक आगे बढ़ जा रहा है, और जो नंबर ऑफ लेटर्स है, जो नंबर ऑफ लेटर्स है ये भी क्या हो रहा है, ये भी एक आगे बढ़ जा रहा है। तो इसमें आपको पैटर्न पता चल चुका है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी एक आगे रहेगा और नंबर ऑफ लेटर्स भी एक आगे रहेंगे। अगर ये ओ से स्टार्ट है तो इसके बाद यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे पी से स्टार्ट होगा। अब पी देखिए जब पी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये विकल्प डी इसका उत्तर नहीं हो सकता, पी क्यू R S T U यहाँ तक उत्तर आपका बनेगा। तो लास्ट में U कहाँ पर मिला है, ये रहा, देखिए इसका अंतिम U है तो ये विकल्प भी नहीं होगा, ये विकल्प भी नहीं होगा। देखिए P Q R S T U इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पर आपको इसे फिल करना है पूरी तरीके से। देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, है ना, बीस लेटर से। तो ब्रेक कैसे करना है, या तो चार चार में करें या तो पांच पांच में करें, है ना। तो चलिए हम लोग चार चार में ब्रेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको चार में ब्रेक करेंगे तो लास्ट में ई मिलेगा, यहाँ पर चार में ब्रेक करेंगे तो लास्ट में ई मिलेगा, यहाँ पर भी लास्ट में ई मिलेगा, तो चार चार में ब्रेक करते। देखिए यहाँ से चार में ब्रेक है, ये भी चार में टूटा है, यहाँ पर भी चार में ब्रेक किया गया, यहाँ पर भी चार में ब्रेक किया गया। ठीक, आपने जब चार चार की श्रृंखला में ब्रेक किया, देखिए सबसे अंतिम में ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, तो इसके अंत में भी ई आएगा। जब अंत में ई भरा जाएगा तो यहीं से एक चीज़ क्लियर हो गया कि तीन विकल्प आपके उत्तर नहीं बन सकते, यही उसका सही उत्तर होगा। लेकिन सिक्वेंस को पूरा कर लेते। देखिए यहाँ पर ई भरा गया है ना, देखिए इसका पहला लेटर ए है, यहाँ पर भी पहला लेटर ए है, मतलब बचे हुए श्रृंखला में भी पहला लेटर ए होगा। यहाँ पर ए जैसे ही भरा गया ये पूरा हो गया, यहाँ पर भी ए भरा गया ए पूरा हो गया, ए डी बी, तो ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी, है ना। तो इसमें ये पैटर्न है, देखिए आपने क्या क्या फिल किया, ए ए बी डी बी ए ई, आपने ये फिल किया, यही आपका उत्तर बना है। ऐसे आपने स्टार्ट में आंसर इसका निकाल लिया था। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्या दिया है, देखिए तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह और दो सत्रह। देखिए यहाँ पे प्राइम लेटर्स आ गए है ना, जब कभी प्राइम नंबर ऑफ लेटर्स आपको मिलेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए प्राइम नंबर ऑफ लेटर्स ना इसमें ये पैटर्न को फॉलो करते जिसमें अंतिम में श्रृंखला पूरी नहीं होती। तो इसको ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, देखिए अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ए बी सी ए बी सी, है ना, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। इसको ना पांच पांच के सीक्वेंस में ब्रेक करिए, देखिए आपको पैटर्न दिखेगा। देखिए आपने यहाँ पे पांच से तोड़ा है ना, फिर आगे आपने पांच को अलग किया, फिर यहाँ पर आपने पांच को अलग किया,
देखिए इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए बी सी ए बी, ठीक, देखिए यहाँ पे ए से स्टार्ट था, यहाँ से बी, यहाँ पर बी से स्टार्ट है, बी सी ए बी सी, यहाँ पर बी से स्टार्ट है तो यहाँ पे सी से स्टार्ट होगा, सी ए बी ए सी, और यहाँ पर ए, देखिए इसमें क्या चल रहा है ना, ए बी सी, ऐसे तीन लेटर्स है, इनका सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देखिए पहले ए से था, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ए बी आया, है ना, अब यहाँ पर बी से आ गया, बी सी ए बी आया, है ना, तो आपको पता चल गया कि आपने इसमें क्या फिल किया, तो आपने फिल किया ए बी सी ए, ए बी सी ए आपने फिल किया, ए बी सी ए, है ना, ए बी सी ए विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी, जब कोई प्राइम नंबर ऑफ लेटर्स मिलेंगे तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखिए यहाँ पर इसमें क्या, देखिए तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह, है ना, पंद्रह है तो सीधी सी बात है आप आराम से तीन तीन की श्रृंखला में तोड़िए या फिर पाँच पाँच की श्रृंखला में तोड़िए, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको पाँच की श्रृंखला में डिवाइड किया है ना, फिर यहाँ पर तीन दो पाँच की श्रृंखला में डिवाइड किया, देखिए पाँच की श्रृंखला में जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर लास्ट में ई है, यहाँ पर लास्ट में ई है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में बी है, है ना, तो इसमें क्या पैटर्न चल सकते हैं, तीन के श्रृंखला के अतिरिक्त रुके पहले दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह एक पंद्रह, ठीक है, अगर तीन तीन के श्रृंखला में ब्रेक किया जाए, पांच पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है तो चलिए तीन तीन के श्रृंखला में ब्रेक करते हैं, है ना, देखिए यहाँ पर तीन, इसमें भी तीन, है ना, इसमें भी तीन, यहाँ पर भी तीन, देखिए तीन तीन के श्रृंखला में ब्रेक किया गया, आप क्या देख रहे हैं, देखिए ए यहाँ पर, देखिए विकल्प से देखेंगे तो बी भरेंगे तो ए बी बी, आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं, देखिए यहाँ पर हमने ए ई बी फिल किया, ये श्रृंखला पूरा हो गया, है ना, ए ई बी यहाँ पर भी हो गया, है ना, देखिए ए ई बी यहाँ पर भी हो गया, तो ए ई बी ए ई बी ए ई बी ये पूरा हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पे पहला लेटर ई है तो यहाँ पर भी पहला लेटर ई भरेंगे, अंतिम में बी है तो अंतिम में बी भरेंगे, ई ई बी और यहाँ पर भी ई ई बी, तो आपको पैटर्न पता चल गया क्या चल रहा है, ए ई बी और ई ई बी ऐसा पैटर्न चल रहा है, इसमें क्या फिल किया गया, ई ई बी, है ना, ई ई बी, देखिए ई ई बी सिर्फ इन्हीं दो विकल्प में, इसके बाद देखिएगा ई ई बी ई ई ए ई ई ई ई ए, है ना, इसमें ए ई बी ई ई बी ए ई बी ई ई बी ए ई बी, ठीक है, तो इसमें विकल्प में लगता है कोई त्रुटि, ई ई बी ई ई ए ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, यहाँ पर विकल्प में थोड़ी सी त्रुटि है ना, ई ई बी यहाँ पर ये ऑप्शन में त्रुटि है, इसका बिल्कुल सही उत्तर ये बन जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए आपको इस श्रृंखला का सही उत्तर क्या बनेगा आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक, इसको कमेंट कीजिएगा इसका क्या सही उत्तर बनेगा, और देखिए अगर आप लेटर सीरीज में इतनी चीजें समझ गए तो आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।